विजयादशमी पर्व के दिन की शुरुआत होने के इन बयानों के बाद दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और शाम होते होते रावण दहन के समय प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने अमर्यादित भाषा के प्रयोग करने वाले नेताओं को मूर्ख करार दिया। मंत्री सज्जन वर्मा के मुताबिक पेंशन घोटाले की जांच होना बेहद जरूरी है। मंत्री वर्मा का कहना है कि गरीब और मजलूम लोगों की मेहनत की कमाई घोटाले में गायब हो गई है। ऐसे में भाजपा नेता अब हाथ में सत्ता नहीं होने से घबरा रहे हैं। वह समझते हैं कि मोदी के जरिए राज्य शासन पर दबाव बनाकर इस घोटाले को रुकवा सकते हैं। वहीं सज्जन वर्मा ने विजय बग्गी के बयान को अमर्यादित भाषा बताते हुए कहा कि हाथ में सत्ता नहीं होने से बौखलाए नेता अब अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने इशारों में ऐसे नेताओं को मूर्ख बता दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष के पार्षद द्वारा चुनाव कराने के अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर समीकरण बनाना शुरू हो गए हैं। ऐसे में चुनावी समर से पूर्व दशहरे में भाजपा कांग्रेसी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। घमंड राजा रावण का भी नहीं रहा, और आज मैं यहाँ रावण को जलाने ही आया हूँ। अमर्यादित भाषा बोलना एक अहंकार और सत्ता के नशे में चूर मूर्ख व्यक्ति जिसके शब्दों से समाज में घृणा फैलती है। आज पेंशन घोटाले की इतने सालों से शिवराज चौहान ने दबा के रखी है। पेंशन घोटाला आप समझते, पेंशन घोटाला पेंशन क्या होता है? वो गरीब और मजलूम व्यक्ति जिसे सरकार अपने जीवन यापन के लिए थोड़ी सी राशि देती है, उस मजलूम के हिस्से का पैसा खाने वाले लोगों के खिलाफ जेन आयोग ने घोटाले की जांच की पेंशन की। मैंने अपने बयान में कभी नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि इतने साल से दबी हुई रिपोर्ट को अगली विधानसभा के पटल पे रखवाया जाए, कैबिनेट में भी कहा और राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में भी मैंने कहा। मैंने जानता चीफ सेक्रेटरी ने तत्काल आदेश दिए, दो दिन में रिपोर्ट आ गई। नाम किसी का लिया नहीं, तो ये भाई उछल के कहाँ से बीच में आ गए कैलाश बाबू, और चोर मचाए शोर, ये कहावत बड़ी पुरानी है। तो ये सखीजों के पीछे जाने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी से दबाव डलवा के या किसी बड़े नेता से केंद्र का दबाव डलवा के उसका नाम कमलनाथ है। कभी इस तरह के पाखंडियों के आगे दिखते नहीं, सखीजों के पीछे जाएंगे वो।